तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नेक्स्ट हमें नाम सजेस्ट करेंगे अब्दुल भाई। अरे बताइए बताइए अब्दुल मियां, आपने मेरे लिए कौन सा नाम सोचा है? पीपी भाई, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा नाम मैंने सोचा है। पारस। पारस 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 अच्छा है, अच्छा है, पत्रकार पारस। वाह अब्दुल भाई, आपके नाम को तो बहुत सारे वोट्स मिले। सुनो, इस नाम के आगे स्टार मार्क करना। हो बाबा, देखो देखो भाई, काफी सारे वोट्स मिले हैं। अब्दुल भाई और कोई नाम? पावन। पावन गुड। अब्दुल, वो पहला वाला ज्यादा अच्छा था, पारस। थैंक यू अब्दुल भाई। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट हमें जो नाम सजेस्ट करेंगी वो है मेरी आई। बताइए बताइए माधवी भाभी, वो अक्षर से आपने मेरे लिए कौन से नाम सोचे हैं? हाँ, प्रभाकर। दो बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार प्रभाकर, अच्छा है। तो आई के इस नाम के लिए वोट कीजिए। ओके दूसरा है पुंडलिक। अस्ता। नाही आवडलं असं तर हरकत नाही। नाही नाही, छान आहे पुंडलिक, चेहऱ्यावरून वाटलं नाही। पुंडलिक अच्छा नाम है। हाँ हाँ, पर प्रभाकर जितना नहीं। मुझे एक और नाम याद आया। हाँ बोलिए बोलिए। प्रीत। प्रीत अच्छा 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 नाम है। कोमल भाभी। सुपर मामा। थैंक यू बेबी। भाई यारा, तो इस बार मैं जो नामों का पिटारा लाया हूँ ना, वो जैसे रिम पे टायर फिट होता है ना, वैसे तुझ पर फिट हो जाएंगे। देख तू, पेंटर, पारुल, अम्मी, पुरी, प्रिया, पिंकी, पुरोहित, प्राची। एक मिनट सोडी भाई, उनको नाम चेंज करना है, जेंडर नहीं। हाँ, और तुम तो लड़कियों के नाम के साथ साथ सरनेम भी बता दे। सॉरी यारो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया। नहीं अच्छी अच्छी कोशिश है सोडी, थैंक यू भाई, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं। अंजलि आंटी अभी आपकी टर्न। मैंने कुछ ऐसे नाम सोचे हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करेंगे। पहला नाम है परितोष। परितोष के लिए कितने लोग वोट कर रहे हैं? परितोष अच्छा नाम है, पत्रकार परितोष। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 15 वोट्स। अनिल भाभी और कौन सा नाम सोचा है? हाँ हाँ हाँ, और एक है, बहुत क्रिएटिव है, प्रियदर्शन। प्रियदर्शन, देखिए ना सुनने में कैसा लगता है, 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार प्रियदर्शन। अंकल आपकी टर्न। अरे फाइनली आलो। हाँ बता बता भाई भिड़े, तूने मेरे लिए कौन से नाम सोचे हैं? पृथ्वीक। अजय। प्रताप। प्रताप। पवन। और पत्रकार कौन? पुष्पक। पुष्पक। पृथ्वीराज। बेड़ा अंकल, आपके जमाने के नहीं, हमारे जमाने के नाम सजेस्ट कीजिए ना। हाँ द्वारा। ओ कल गोळ्या, एक मिनट। प्रतीक। प्रतीक ये अच्छा है, लेटेस्ट एकदम। पनाश। पनाश हाँ। देखते हैं कितने वोट्स मिलते हैं इस नाम को? वाह बाबा मस्त है। थैंक यू भिड़े भाई, तूने अच्छे अच्छे नाम सोचे हैं, लेकिन पहली बार में ही पसंद आ जाए ऐसे नाम नहीं है। कोई बात कोई बात। दोस्तों आप सबने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं मिला जो पहली बार में सुनकर ही पसंद आ जाए। हाथी अंकल अभी आप नाम सजेस्ट कीजिए। बताइए बताइए हाथी भाई। और पापा। पत्रकार जी मैंने आपके लिए 4 नाम सोच के रखे हैं जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला नाम है प्रयाग। प्रयाग वाह। प्रयाग, प्रयाग। ओहो। और दूसरा नाम है प्रारंभ। ओ प्रारंभ। और एक नाम है पीयूष। पीयूष पीयूष पीयूष। वेरी गुड आतिफ भाई, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे अच्छे नाम सोचे आपने। मेरे पास और एक नाम है जो सबको पसंद आएगा। अच्छा हाँ बताइए। ये मैंने प्यार किया में सलमान खान का भी नाम था। नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन थोड़ा फिल्मी है। देखते हैं कितने वोट्स मिलते हैं। बहुत लोगों को पसंद आया। थैंक यू। अरे मेहता साहब आप इतनी देर से क्यों शांत बैठे हैं? आप शब्दों के जादूगर हैं। आप बताइए ना आपने मेरे लिए कौन से नाम सोचे हैं? हाँ पहला नाम है पराग। पराग हाँ देखा। नहीं पराग। अच्छा पराग तो अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा? दूसरा है प्राणलाल। प्राणलाल प्राणलाल अच्छा है अच्छा है। तीसरा है प्रलय। पत्रकार प्रलय। प्रलय ओ ये अच्छा प्रलय नावातच लय आहे ना। मीनिंग बघा, लय म्हणजे अशेष नाहीये, प्रलय। हो नाही नाही प्रलय नाही। प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद। परमेश्वर। ओ हो परमेश्वर। परमेश्वर मतलब सर्वगुण संपन्न। ओ मेहता साहब पुराने क्लासिक विंटेज वाले नाम छड्डो, नवे मॉडर्न एसयूवी टाइप्स नाम बताओ। हाँ मेहता साहब बहुत अच्छे अच्छे नाम सोचे आपने, लेकिन ये थोड़े डाइट वाले लग रहे हैं। सॉरी अंजलि भाभी। थोड़े ऐसे चटाकेदार मसालेदार नाम बताइए ना। पत्रकार मुझे ये नाम अच्छे लगे इसलिए मैंने सजेस्ट किए। ठीक है टब्बू एक काम कर, तू नाम सजेस्ट कर। हाँ। प्रियांक। अच्छा अच्छा ये अच्छा। नाइस। प्रियांक। अरे वाह। पिंटू। ओ पिंकू। पिंकू नहीं पिंटू बोला। अच्छा पिंटू 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 पिंटू। शुरू होते ही खत्म हो गया। टब्बू ये तेरे किसी दोस्त का नाम ऐसा लग रहा है। पत्रकार पिंटू। मैं बोलता हूं। अरे बस प्रबल। ये अच्छा है। हाँ। एक और एक कुंजन। पहिला बरोबर होता। तीसरा नाम प्रियांश। गुड चॉइस ऑफ नेम। अरे थैंक यू वेरी गुड यार। अच्छा सोनू अब तू बताना नाम, तूने क्या सोचा है? ओके भिड़े भाई नाम तो अनाउंस करने दो। हाँ नहीं मतलब वही पार्शियलिटी एकदम। तो हमारे फेवरेट अंकल के लिए मेरे पास 2 नाम हैं। पहला नाम है पुनीत। हाँ प्रियांक से तो बहुत अच्छा। भिड़े भाई हाथ। नाम तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, स्टेज पे होने वाले पुनीत जी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ थोड़ा ऐसा रखिए ना प्लीज। अभी दिख रहा है? मस्त है। वेरी गुड सोनू। तो मेरा दूसरा नाम है प्रितेश। वाह वाह सोनू, वाह वाह। वाह, थैंक यू एवरीवन। अंकल, प्रितेश नाम पे तो आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, ये तो टाई हो गया। हाँ, पर मुझे वो टाई वाला नाम नहीं चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए जिसको पूर्ण बहुमति मिले। बात है पोपट अंकल, मैंने जो नाम सोचा है मुझे लगता है आपको सुन के मजा आ जाएगा। लेट मी ट्राई। तो बता बता गोली, जल्दी बता। हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, पुष्पा, पुष्पराज। पुष्पराज नाम मस्त लगेगा। आपका कभी भी भविष्य में वाइफ के साथ झगड़ा होगा ना तो बोल देना, झुकेगा नहीं। अच्छा नाम है, लेकिन रहने दे गोली बेटा, मुझे इस नाम की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरा मेरी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं होगा। कोई और नाम सोचा है तो बता। तो दो और नाम है मेरे पास वैसे, प्रदीप। ओहो, प्रबोध, ओके। मैं ट्राई करता हूँ। बता बता। पप्पी। कितना सोना नाम है, पप्पी। पत्रकार पप्पी, क्या नाम बताया। हाथ पर करो भाई। ओए कोई ना, मेरे पास दूसरा भी है, पिल्लू। ये देख, पत्रकार पिल्लू। अच्छा है, अच्छा है, सोच के देखो। कुठल्या एंगल ने ते पप्पी पिल्लू दिसते तुला। बैठ जा बैठ। नाम अच्छे थे पर काम के नहीं थे। हाँ, कोई बात नहीं होगी। नट्टू काका, अभी आपकी टर्न। हाँ, प्रभुदास। प्रभुदास, पत्रकार प्रभुदास। अच्छा अच्छा, प्रभुदास अच्छा। दूसरा कोई नाम सोचा है नटू काका? प्रेम कीर्तन। वाह नटू काका, वाह। पत्रकार प्रेम कीर्तन। कोई और? देखिए सेठ जी, बापूजी और सारे गोकुलधाम वासी मुझे, बावरी जी को और नट्टू काका को, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी कार्यक्रम होता है तभी हमें खास आमंत्रण दिया जाता है, और आज भी बुलाया है। और आज उसी गोकुलधाम के एक सदस्य को नाम की जरूरत है, तो मैं बागेश्वर दादू उंढाई वाला, बहुत ही बड़ा दिल रखते हुए, भविष्य में हमारे होने वाले बच्चे का नाम इन्हें देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू बागा, थैंक यू दोस्त। बागेश्वर जी, आपने ये बात तो मुझे बताई ही नहीं। वो सॉरी बावरी जी, सरप्राइज रखा था। So cute. वाह वाह बाघा, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू आती भाई, वेरी स्वीट ऑफ यू। भविष्य में होने वाले अपने बच्चे का नाम दे रहा है, सच में बहुत बड़ी गल है जी, बहुत बड़ी गल है। अरे बाघा, अभी तुम्हारा शादी किधर हुआ है जो तुमने बच्चे के नाम का प्लानिंग कर लिया? अरे वो है तो कुछ नहीं, वो मैंने तो कॉलेज में ही सोच लिया था कि शादी के बाद अगर मेरा बेटा हुआ ना तो उसका नाम मैं गोकी रखूंगा प्यार से। वाह। और जो लड़की हुई ना तो उसका नाम मैं मिट्ठू रखूंगा। देखा? बागा भाई, बागा। आपने क्या नाम सोचा अपने होने वाले बच्चे के लिए, वो तो बताइए। हाँ हाँ बता बागा। तो मैंने जो नाम सोचा है वो है पावली कुमार। क्या क्या क्या? पावली कुमार। पावली कुमार। और अगर आपको बेटी हुई तो पावली कुमारी। अच्छा, तो ये पावली का मतलब क्या होता है? वो दरअसल बबीता जी, हमारे यहाँ छोटे बच्चे का नाम पावली रखते हैं। वाह बागेश्वर जी, ये बहुत प्यारा नाम है ना? लेकिन बाघा कैसे लगेगा सुनने में जब वो बोलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस का गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पावली कुमार। हाँ, सोचो तुमने अपना नाम पावली कुमार रख लिया और कहीं न्यूज कवर करने नहीं पहुंच पाए तो लोग कहेंगे आज पावली कम है। बागा, ये बहुत अच्छा नाम है, मुझ पर वेस्ट मत कर, अपने लिए संभाल कर रख। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अरे थैंक यू बागा, थैंक यू। क्या करे, हमारे पत्रकार भाई के लिए कोई अच्छा नाम मिल ही नहीं रहा है। ओ मिल गया, ओ यारा, ओ मिल गया जी, मिल गया, ओ मिल गया जी, मिल गया, ओ मिल गया जी। पहले पहले बता भाई। ओए ऐसा नाम मिला है ना जो तुझे सूट भी करेगा और तू उसको ओके भी करेगा। तो बोलना भाई। थोड़ी थोड़ी विशेषण मत दे, नाम बोल डायरेक्ट। वो एक काम कर, तू अपना नाम पत्रकार रख ले और सरनेम पोपट, पत्रकार लाल पोपट। ओ जी, नाम भी बदल जाएगा और पहचान भी रह जाएगी, है कि नहीं? हाँ, कोई पूछेगा नाम क्या तो पत्रकार, काम क्या तो भी पत्रकार। ले बब्बू, तेरा तो कम बन गया। अरे नहीं नहीं सोडी भाई, पत्रकार नाम कैसे रख सकते हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है। क्या करे, अरे आप इतने सारे लोग यहाँ पर हो भाई, कोई तो एक अच्छा नाम बताओ जिसको पूर्ण बहुमति मिले। अरे एक मिनट पोपट भाई, अभी बावरी जी का नंबर तो आया ही नहीं। हाँ, उन्होंने तो कोई नाम सजेस्ट ही नहीं किया। अरे हाँ, और बावरी जी नाम सजेस्ट करने में नंबर 1 है। अरे हाँ, बोलो 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 बोलिए बोलिए बावरी जी बोलिए। सॉरी 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 पोपटलाल, सॉरी आ गया मैं, आ गया इधर जगह आ गया मैं, आ गया सॉरी 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 क्यों बोल रहा है तुम? आप बोलो। लेट हुआ इसलिए। जेठालाल, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम वापस घर चले जाओ। अरे भाई, मैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ। मेरी वजह से? हाँ। कैसे? वो क्या, मेरे एक व्यापारी दोस्त के पास नाम की किताब है। अच्छा, मतलब किताब नहीं, सिर्फ नाम की किताब है? हाँ, सिर्फ नाम की किताब है, मतलब किताब में नाम ही नाम है। किताब का नाम क्या है? किताब नाम की। तो क्या, वो लेने गया ना, उसमें लेट हो गया दोस्त। तो सोचिए कि अगर आप किसी से एक फूल मांगे और वो आपको पूरा का पूरा बागान गिफ्ट करे, आपको कितनी खुशी होगी। ठीक वैसे ही हमारा जेठालाल पोपटलाल के एक नाम के लिए नाम की किताब ले आया है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। क्या लगता है आपको, आज पोपटलाल का नामकरण हो जाएगा या फिर कोई कंफ्यूजन होगा? हम सब जानते हैं कि बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद उसके नामकरण की विधि होती है, लेकिन यहाँ इस बड़े बच्चे के नामकरण की विधि हो रही है। आप सोच रहे होंगे ना कि पत्रकार का नया नाम क्या होगा, पोपटलाल को नया नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो पोपटलाल की शादी नहीं हो रही, ऊपर से अगर उसे नया नाम नहीं मिला ना तो हम सबकी दुनिया हिला देगा। क्या हमारी वोटिंग के जरिए पोपटलाल को नया नाम मिलेगा? यहां पर तो हंगामे होते रहेंगे, लेकिन यहां पर हंगामे होंगे तो आपके घर पर हंसी और ठाकों की बरसात होगी। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.